गाइस आज की वीडियो में बहुत बड़ी आरसी कार मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। आप लोगों को पता होगा मेरे पास आरसी एक्स मैक्स से ज्यादा बड़ी कार दूसरी कोई भी नहीं थी, पर आज इसको भी टक्कर देने के लिए एक 4x4 आरसी थार मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। आज कराएंगे इसकी अनबॉक्सिंग और कराएंगे फाइट ट्रैक्सेस एक्स मैक्स के साथ। एक और कार भी है गाइस, ये अपनी जंबो फरारी, इन तीनों के बीच में कराएंगे फाइट। गाइस ट्रैक्सेस एक्स मैक्स इतनी बड़ी बड़ी आरसी कार्स को आज हरा पाती है यानी। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। चलो गाइस पहले बॉक्स को यहां से कट कर देते हैं। अगर आप भी ये कार्स खरीदना चाहते हो तो वीडियो पर क्लिक करो, लेफ्ट साइड में आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, वहां पर ब्राउज प्रोडक्ट में आपको जाना है, वहां पर इसके वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो ये कमाल की आरसी कार्स को खरीद भी सकते हो। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है, पैकिंग इसकी बहुत ज्यादा तगड़ी मेरे को लग रही है। एक काम करते हैं, ओ भाई साहब कार सच में यार बहुत ज्यादा बड़ी है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये कार इतनी ज्यादा बड़ी होगी। आज तो ट्रैक्सेस एक्स मैक्स की वाट लगने वाली है गाइस। ये व्हील्स देखो यार कितने ज्यादा बड़े दे रखे हैं, ओ माय गॉड। जैसे कि रियल कार में व्हील्स दिए जाते हैं ना गाइस, उतने ज्यादा बड़े बड़े व्हील्स इसके अंदर दिए गए। 5 व्हील्स देखने को मिलते हैं। पहले काम करते हैं, इन व्हील्स को निकाल लेते हैं बाहर फटाफट से। इसको मैंने 30,000 रुपीज में खरीदा है, सारे व्हील्स मैंने निकाल दिए। यहाँ पर इसके कुछ अटैचमेंट्स है, ये भी मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इसका वारंटी कार्ड है, यूजर मैनुअल है, और ये शायद इसका रिमोट कंट्रोलर होगा। अच्छा तो ये कार को हम लोग रिमोट से भी चला सकते हैं या फिर मैनुअली भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे बटन है इसको ऑपरेट करने के लिए, पीछे की तरफ 2 AAA बैटरी डालनी पड़ती है। और क्या चीजें है गाइस फटाफट से दिखा देता हूँ यहाँ पर। अच्छा ये इसके व्हील्स के कुछ कैप वगैरह नजर आ रहे हैं, और ये है इसके साइड मिरर्स, बहुत ही घटिया क्वालिटी के साइड मिरर्स इसके साथ मेरे को मिले हैं। देखो यार कार इतनी ज्यादा बड़ी है पर इसके साइड मिरर्स एकदम चीप क्वालिटी के इन लोगों ने दे रखे हैं। ये है इसका स्क्रू ड्राइवर, यहाँ पर इसका स्पैनर है व्हील्स को कसने के लिए। इसके अंदर एक और चीज दी गई है यार, ये पता नहीं, एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा तो इसका सामने का बम्पर है, देखो इस बम्पर ही इतना ज्यादा बड़ा है। चलो अभी कार को निकालते हैं बॉक्स के अंदर से बाहर। कार को निकालने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। देखो यार इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है। इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ, अभी फटाफट से इसके व्हील्स वगैरह लगाऊंगा। तो गाइस व्हील्स वगैरह लगा दिए मैंने, देखो सारी की सारी चीजें इसके अंदर फिट कर दी है। अब देखो यार कार का लुक कितना ज्यादा तगड़ा दिख रहा है, पूरी तरीके से 4x4 है। सबसे पहले व्हील्स के बारे में बात करते हैं, व्हील्स का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, पर एक माइनस पॉइंट इसके अंदर ये है कि देखो व्हील्स कम्प्लीटली प्लास्टिक के बने हुए हैं। इस तरफ देखो यहाँ पे पीछे की तरफ इसकी टेल लाइट दी गई है और ये कम्प्लीटली LED। सस्पेंशन की बात करूं तो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से सस्पेंशन दिया गया है। ये देखो गाइस इसका सस्पेंशन काम करता है यार। यहाँ पर इसका डोर है, डोर की क्वालिटी एकदम तगड़ी है भाई साहब, एकदम मोटे साइज का डोर इसके अंदर दिया गया है। ये इसकी स्टीयरिंग, यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच है और भी बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ पे इसका पैडल दिया गया है, इसको भी प्रेस करके ये कार को चलाया जा सकता है। इसका बोनट देखो यार एकदम तगड़ा है, पूरी की पूरी ये थार जैसी दिखाई देती है और बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है। इसके अंदर बहुत सारी LEDs दी गई है, यहाँ पर इसके इंडिकेटर्स है। तो गाइस ये वाली कार के अंदर भी मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये एक राइड ऑन कार है। इसके अंदर देखो यार मैंने इसका ESC चेंज कर दिया है, बड़ा वाला इसके अंदर ESC लगा दिया है, इस वजह से इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सामने के व्हील्स के पास भी देखो गाइस यहाँ पर मैंने एक बड़ी वाली मोटर लगा दी है, इस तरफ भी एक बड़ी वाली मोटर लगा दी है। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। भाई बहुत तगड़ी आवाज इसके अंदर दी गई यार। तो गाइस तीनों यार कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, सच में यार ये कार का साइज बहुत ज्यादा ह्यूज है। एक्स मैक्स देखो यार इसके सामने छोटी बच्ची नजर आ रही है। अगर व्हील्स की कंपैरिजन करूं मैं इन दोनों के बीच में तो व्हील्स बहुत ज्यादा बड़े है यार आरसी थार के। चलो गाइस अभी कराते हैं इन तीनों के बीच में फाइट, देखेंगे तीनों में से कौन जीतता है। सबसे पहले आरसी जंबो थार को टच करते हैं फटाफट से, इसकी लाइट्स मैंने ऑन कर दी है। यहाँ पर बहुत सारी LED लाइट्स इसके अंदर लगाई गई है, जैसे कि नीचे की तरफ ऑरेंज कलर की लाइट्स है, सेंटर में ग्रीन एंड व्हाइट कलर की लाइट्स है, ऊपर की तरफ व्हाइट कलर की लाइट्स दी गई है। तो इसके अंदर हैजार्ड स्विच भी दिया गया है। अंदर इसका इंफोटेनमेंट के पास यहाँ भी बहुत सारी लाइट्स है और इसको हम लोग अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी ये कार को रोड पे टेस्ट करके देखते हैं, इसको मैं रिमोट से चला रहा हूँ, रिमोट इसका बहुत ज्यादा सुपर रेस्पॉन्सिव दिया गया है। कार बहुत अच्छे तरीके से टर्न हो रही है, यहाँ पे रोड थोड़ी सी छोटी हो गई यार, वरना एक बार में ये टर्न हो जाती। सामने से अगर आप इसको देखोगे ना गाइस बिल्कुल एक रियल थार का छोटा वर्जन जैसी ये दिखाई देती है। गाइस मैं भी इसके अंदर बैठने वाला हूँ, देखते हैं कार रहती है या फिर टूट जाती है। भाई साहब जगह तो इसके अंदर बहुत कम है यार, जैसे तैसे करके मैं इसके अंदर बैठ चुका हूँ। ओके तो चलो गाइस अभी इसको चलाते हैं। गाइस मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा यार, ये कार मेरा वेट लेके जा रही है, ओ माय गॉड।
ये कार ऑफ रोड में इतनी अच्छी तरीके से चलेगी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अभी इसको रिमोट से भी चलाता हूँ गाइस, आप देखो सस्पेंशन भी बहुत परफेक्टली काम कर रहा है। ऑफ रोड में चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है यार, पर ये कार है 4x4, इस वजह से मेरे को लग रहा है कि ये ऑफ रोड में एकदम तगड़े तरीके से चल सकती है। और रोड पे द्वार इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है, आने वाले दिनों में मैं इसकी स्पीड और भी आपको ज्यादा बढ़ा के दिखाऊंगा। अभी ट्रैक्सस एक्स मैक्स को टेस्ट करते हैं। जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर दबाया ये एकदम से मॉन्स्टर बन गई थी यार, सच में इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कमाल की है। व्हीली तो ये एकदम गजब तरीके से मार सकती है। अगर ये कार को हम लोग हाई स्पीड में चलाकर ब्रेक मारने की कोशिश करेंगे तो देखो यार इस तरह से ब्रेक इसके लगते नहीं है। व्हीली की बात करूं तो व्हीली एकदम परफेक्ट तरीके से ये कर लेती है। जैसे ही फुल ट्रिगर दबाते हैं तो ये व्हीली बहुत गजब तरीके से मार सकती है। अभी ये रेड जायंट सुपर फरारी आरसी कार को टेस्ट करके देखते हैं। इसको मैंने ऑन कर दिया है। ये कार का साइज बहुत ज्यादा बड़ा यार, फिर भी देखो ये कार इतने छोटे रिमोट से बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती है। इसकी कंट्रोलिंग मेरे को दूसरी कार से बहुत ज्यादा बेटर लगती है। लुक्स इसके बिल्कुल एक रियल फरारी कार जैसे ही दिए गए हैं। क्योंकि इस पहले रेस कराते हैं ये दोनों जंबो कार्स के बीच में, देखते हैं यहाँ पे थार जीती है या फिर फरारी जीत पाती है। पहले तो मेरे को लगा था कि फरारी आराम से जीत जाएगी क्योंकि एक सुपर स्पोर्ट्स आरसी कार है, पर थार इससे भी ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है और इससे भी ज्यादा स्पीड से चल रही है रोड पर। अभी दोनों को मैं चलाते चलाते ऑफ रोड में लेके आ चुका हूँ, देखते हैं यहाँ पर कौन जीत पाता है। यहाँ पर भी आरसी थार मेरे को जीतती हुई लग रही है क्योंकि ये फोर व्हील ड्राइव है और इसकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है ऑफ रोड में भी और पत्थरों में भी। कराते हैं ट्रैक्सस एक्स मैक्स यही टेस्ट वर्सेस जंबो आरसी थार के बीच में। देख ट्रैक्सस एक्स मैक्स बहुत ज्यादा फास्ट है, ये रोड में जितनी स्पीड से चल सकती है ऑफ रोड में उससे भी ज्यादा स्पीड से चल सकती है। बैक कराते हैं ये दोनों जंबो आरसी कार्स के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। जैसे ही दोनों के बीच में मैंने टक्कर कराई है यहाँ पे फरारी की हालत खराब होती हुई मेरे को लग रही है क्योंकि आरसी थार 4x4 है। देखो इसके पीछे के व्हील को बिल्कुल भी ग्रिप नहीं मिल पा रही है, पर आरसी थार इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसको पीछे ढकेल के रख दिया है इसने 1 मिनट के अंदर। अभी देखते हैं ये आरसी थार ट्रैक्सस एक्स मैक्स के सामने टिक पाती है। ट्रैक्सस एक्स मैक्स ने पूरी पावर लगाकर आरसी थार को रोक रखा है। ये क्या हो गया गाइस, ट्रैक्सस एक्स मैक्स इसके नीचे जाकर इसको उठा चुकी है पूरी तरीके से और इसको गोल गोल चक्कर कटा रही है। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस, इतनी ज्यादा भारी भरकम बाहुबली कार को इसने उठा के रख दिया है। देखो गाइस यहां पे आरसी थार कुछ भी नहीं कर पा रही है, इसको बिल्कुल भी पावर नहीं मिल पा रही है। क्लियरली यहां पर विनर है ट्रैक्सस एक्स मैक्स। देखो इसको अभी भी कुछ भी नहीं हुआ यार, इसने तो इतनी भारी भरकम कार को ही अपने ऊपर उठा लिया था। अब कराएंगे टग ऑफ वॉर, देखते हैं गाइस इस बार दोनों में से कौन जीतता है। ट्रैक्सस एक्स मैक्स यहां पर धीरे धीरे करके पीछे जा रही है। यहां पर दोनों के अंदर मैंने फुल पावर बढ़ा दिया है। ट्रैक्सस एक्स मैक्स ने पूरी तरीके से बवंडर मचा रखा है यार, ये बहुत ज्यादा मिट्टी फेंक रही है आरसी थार के ऊपर। फिर भी आरसी थार यहां पर बिल्कुल भी नहीं रुक पा रही है। आरसी ट्रैक्सस एक्स मैक्स के व्हील्स एक बार एक्सटेंड होकर बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं क्योंकि ये पूरी पावर लगा चुकी है। फिर भी यहां पर ट्रैक्सस एक्स मैक्स हार चुकी है आरसी थार के पावर के सामने। गाइस देखो यार ट्रैक्सस एक्स मैक्स की हालत कितनी खराब हो चुकी है, इससे भी ज्यादा खराब हालत मेरे को आरसी थार की लग रही है। इसके ऊपर तो जहां पे भी देखो सिर्फ मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है। एक और बार यहाँ पे टग ऑफ वॉर कराते हैं। एक सेट मैंने फरारी और आरसी एक्स मैक्स को बांध दिया है, दूसरी तरफ है आरसी जंबो थार। देखते हैं गाइस यहाँ पर ये दोनों कार मिलकर आरसी जंबो थार को हरा पाते हैं, यानी जैसे तैसे करके इन लोगों ने देखो और आरसी थार को रोक रखा है पर खींच नहीं पा रहे हैं। एक काम करते हैं अभी फुल पावर बढ़ा देते हैं तीनों आरसी कार के अंदर। जैसे ही मैंने फुल पावर बढ़ाई है ये दोनों कार मिलकर जंबो आरसी थार को खींच के लेके जा रही है। मेरे को नहीं लगा था जैसे ये जंबो थार हारेगी, पर ये दोनों कार भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखो इन दोनों ने मिलकर आरसी जंबो थार को और मैं हरा के रख दिया है। ये सभी कार्स को भी ऑफ रोड में टेस्ट करेंगे गाइस, वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। ये कार 4x4 होने के कारण, इसके व्हील्स बहुत ज्यादा बड़े होने के कारण, देखो यार ये बहुत कटीले पत्थर और बहुत बड़े बड़े पत्थरों पे भी आराम से चल रही है। दूसरी कार्स यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाती है। पहले तो एक्स मैक्स फंस चुकी थी यहाँ पर एक्स मैक्स भी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये भी बड़े बड़े पत्थरों पे बहुत आराम से चल सकती है। सबसे लास्ट में मैंने फरारी कार को टच करके देखा, इसके व्हील्स छोटे हैं और ये टू व्हील ड्राइव होने के कारण इसके व्हील्स पे स्लिप कर रहे थे गाइस। ये कार यहाँ पर हार चुकी है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो में मैं आरसी एक्स मैक्स की कौन सी कार के साथ फाइट कराऊं। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये तीनों कार्स में से कौन सी कार अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है रुद्रा राव, अहद, हरमन, अरहान, आयुष, सैयद हुसैन, मंदीप, तनिष्क, शुभम, नरेश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय गाइज।